सो जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारी वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस, आज अपने को एक बहुत ही प्रॉब्लम आ चुकी, बहुत बड़ा वाला प्रॉब्लम। आज से नहीं, बहुत पहले से चल चुकी है, बहुत पहले से हो चुकी है। मतलब जब से हमारे घर में मीटर लगा ना बिजली का, उसका कोई बॉक्स नहीं लगा है कवर उसके ऊपर, जिससे प्रोटेक्शन मिले, लाइक कोई तार वार टच करे तो करंट ना लगे, वो नहीं लगा। प्लस 5-6 महीना पहले अपना बिजली का जो मीटर है ना, वो खराब हो चुका है। लाइट अपने पास घर में नहीं आ रहा था, इसके कारण अपन लोग एक दूसरा वायर कनेक्ट करके, चोरी वाला बिजली होता है ना, वही वाली अपन लोग यूज कर रहे हैं। हमने कंप्लेन भी करा 2-3 बार, कंप्लेन नहीं हुआ। ऑनलाइन ऑनलाइन कंप्लेन किया, वहां पे इनवैलिड सीए बताया, जबकि हमने जो भी जेई है ना उनसे, उनको हमने दिखाया, वो देखे तो बोले पता नहीं कैसे इनवैलिड बता रहा। तो इसी कारण से उन्होंने अपना नंबर, पर्सनली नंबर मेरे को दिए, और फिर वो बोले कि मेरे पास आना, मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, प्लस आपका मीटर चेंज करवा दूंगा। और वो ऐसे बोल के तकरीबन 20 से 25 दिन पहले गए हैं। उसके बाद आज तक मीटर ना ही मेरा चेंज हुआ, हमने कॉल भी किया, बात भी किया उनसे, बट वो मीटर आज तक चेंज नहीं हुआ। तो आज सुबह अपन लोग बात किए, तो उन्होंने बोले कि चलो आ जाना, बात कर लेंगे, जो भी सोल्यूशन होगा वो करके आपका जल्दी से मीटर चेंज करेंगे और फिर नया मीटर लगाएंगे। तो पहले मैं आपको मीटर अपना दिखा दूंगा, कैसा मीटर आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद अपन लोग यहाँ से जाएंगे, क्या नाम है उसका, ककर बीघा कुछ ऐसे करके, मेरे को नाम उतना पता नहीं है। वहाँ पे अपने को जाना, वहाँ पे पावर ग्रिड, वहीं पे जेई बैठते हैं, तो वहीं पे अपन लोग जाएंगे, वहाँ पे क्या सोल्यूशन होता है वो अपन लोग सोल्यूशन करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद अपन लोग देखते हैं सोल्यूशन क्या होता है। बस अभी आपको पहले मीटर दिखाते हैं और फिर डायरेक्ट आपको वहीं पे मिलते हैं बिजली ऑफिस के पास गाइस। सो भाई देख लो, ये अपना मीटर है, लाइक फुल्ली अनकवर्ड, जिसको मैंने टेप से कवर किया ताकि किसी को करंट वरेंट ना लगे। और फिर मैंने इसका कंप्लेन करा, बट कोई इशू मेरे को सुनवाई नहीं हुआ। और सामने एक साइड देखो ना, तो ये बॉक्स है, यहाँ से अपना कनेक्शन डायरेक्ट ये वायर के थ्रू यहाँ आता है, और फिर इस तरफ से इधर देखो ना, देखो लेफ्ट साइड ना, इधर अपना वायर अंदर की ओर गया, ये अपना घर में गया है, और फिर बाहर में कुछ गंदा है, तो ये होली का टाइम है, ऐसा हुआ था गंदगी गाइस। ये देखो, ये मेरे घर के बगल वाले का है ना मीटर, इसमें देखो कवर प्रॉपर तरीके से कवर किया हुआ है, तो ऐसा ही कवर होना चाहिए हर मीटर में, बट हमारे में नहीं है। और फिर ये घर गाइज अपना गांव का है, तो घर गांव में ऐसा ही घर होता है गाइज, तो कोई सोचना मत कुछ। झनकार भाई, डोला डोलम डोली वाला गाड़ी हो, डांसिंग कर। सो फाइनली भाई, अभी अपन लोग पहुंच चुके हैं करण बीघा बिजली ऑफिस, और फिर ये अपना 4-व्हीलर, जिससे अपन लोग टोटल 6-7 जन लोग आए हैं भाई, मतलब ओवरलोड होके आए हैं, बट फाइनली हम लोग पहुंच गए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ किधर है, बट मैप में सर्च किए डायरेक्ट बिजली ऑफिस, तो दिखा दिया करण बीघा का बिजली ऑफिस। तो अभी अपन लोग अंदर जाते हैं और फिर क्या होता है इसका सॉल्यूशन, वो अभी अपन लोग बातचीत करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये करण बीघा है ऑफिस, इसमें देखो पावर ग्रिड वो है, और फिर इधर ऑफिस है, और फिर ये अपना कार मस्त वाला पार्क है, और यहाँ से अपन लोग एंट्री लेने वाले हैं। देख ही सकते हो भाई, एंट्री कुछ इस प्रकार है, अंदर जाओ ना तो पेड़ वेड़ इधर कुछ है, और फिर वो उधर ऑफिस किधर है, वो लोग किधर गया मंटू, ये सब ये देख रहे हो भाई, हरा भरा सारा, लोग खेती वेती इधर करते हैं, और फिर एंट्री किधर से, इधर से तो होगा नहीं, तो अपने पास कंप्लेंट भी है सारा कुछ, जाते हैं देखते हैं भाई। आज जय सर बैठे ही नहीं है, ये पावर ग्रिड, और फिर इधर देखो, इधर भी बहुत कुछ है ऐसे ही खाली खाली सा, तो बोले आज जय सर नहीं बैठे, आज कुछ है हॉलीडे उनका है, तो कल बैठेंगे, और फिर इधर देखो सारा कुछ ये सब है। तो अभी यहाँ से जाते हैं, कल आएंगे फिर अपन लोग, और फिर कल देखेंगे जय सर से बात बात करेंगे, क्योंकि भाई बिजली पे फालतू का बहुत ज़्यादा उठ रहा है, तो समझ ही सकते हो। देखो पावर ग्रिड यार ऐसा रहता है, पावर ग्रिड अंदर देख रहे हो पूरा, कितना वाट का है भैया ये, कितना वाट, फिर भी सबसे बड़ा वाट का भाई, पता नहीं कितना वाट का है, देखो यार अंदर का भी कितना मस्त है। और इधर जय सर बैठते हैं, जो कि आज नहीं बैठे हैं। सो भाई आज जय सर बैठे ही नहीं है, तो बेफालतू का टाइम वेस्ट हो गया अपना, तो कल अपन लोग आएंगे और फिर जय सर से अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि अपना मीटर बिल्कुल ही बंद है गाइस। और वोल्टेज बोलो ना, तो वोल्टेज इतना डीम आता है ना, इतना लो आता है ना वोल्टेज, कि मतलब 100 से कम आता है। और फिर हम लोग का मोटर जो भी है ना पानी वाला, वो चलता है मैक्सिमम अगर 200 रहेगा ना, 200 से ऊपर ही रहेगा मिनिमम, मतलब 180 रहना चाहिए तब मोटर हमारा चलेगा, वरना ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मंटू का ऑलरेडी जल चुका है मोटर, और भी बहुत लोग का जल चुका है, तो वोल्टेज का एकदम बहुत ही लोचा चल रहा है यहाँ पे गाँव पे।
बट आज तो जेई सर है ही नहीं, नंबर ही मेरे पास था, मैंने फ़ोन करा था, वो लोग उठाए थे और बोले थे आ जाओ, बट आने के बाद देखो यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है, सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। तो कल आके देखते हैं कल का क्या होता है सॉल्यूशन, शायद वो रहें तो हो जाए। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहना। तो बाय बाय, और मेरे हाथ में कलम है क्योंकि गाइस मैं आज सोया था एप्लीकेशन लिखूंगा बहुत दिनों के बाद, और एप्लीकेशन लिख के देना भी पड़ता है, बट अभी जो अंदर लोग हैं ना उन लोग को एप्लीकेशन देने से फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अपने को एप्लीकेशन देना और किसी को भी नहीं, तो वही सॉल्यूशन करेंगे इसी कारण से। तो बस इतना ही, बाय बाय गाइस। गंदा बात।